वेलकम टू बैक एंड अदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आबिद शहीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं किसी भी मसरूफियत की वजह से, पेपर्स हैं, कोई ऑफिशियल आपकी मसरूफियत है, या किसी भी वजह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इसी के लिए चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। तो हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। मैंने अपने इंस्टाग्राम को ओपन किया है, अभी मैं अपने प्रोफाइल पे टैप करूंगा। ऊपर जो तीन लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं, मैंने इस पे टैप करना है, सेटिंग्स को मैंने सेलेक्ट करना है और हेल्प को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है हेल्प सेंटर, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ हाउ टू डी एक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको जो ऊपर तीन लाइनें नज़र आ रही हैं आपने इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मैनेज योर अकाउंट, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट योर अकाउंट, तो हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, टेम्परेरली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड एक्सेस योर डेटा ऑन इंस्टाग्राम। तो हम टेम्परेरली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, और अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है instagram.com फ्रॉम आ कंप्यूटर, instagram.com फ्रॉम आ मोबाइल ब्राउज़र, इंस्टाग्राम ऐप फॉर आईफोन। अगर आप आईफोन से कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप एंड्रॉयड से कर रहे हैं तो instagram.com फ्रॉम आ मोबाइल ब्राउज़र, तो इसको हमने यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक प्रोसीजर बता देगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना। अगर आप चाहें तो इन स्टेप्स को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली मुझे फॉलो करें। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है instagram.com हाईलाइटेड सा, तो आपने इस पर टैप कर लेना है। तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ब्राउज़र से, आपके ब्राउज़र में इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने लॉग इन नहीं कर रखा तो इसको आपने यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है तो मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे टैप करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे टैप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट प्रोफाइल, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी रीज़न देनी है क्यों आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैं अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने अब यहाँ पे अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर देना है, तो मैं उसको यहाँ पर पुट कर लूँगा जो भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड होगा। और यहाँ पर टेम्परेरी डीएक्टिवेट अकाउंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब मैं चाहूंगा इसको दोबारा से एक्टिव करना तो वो भी मैं यहां पे कर सकता हूं। ये टेम्परेरी होगा, ये आपका परमानेंटली डिलीट नहीं होगा या परमानेंटली एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं। तो अगर आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें तो आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।